दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस की चपेट में अब तक 75,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और इससे 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक 22 देशों में इसके संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी अब तक इसके 3 मामले सामने आए हैं। आखिर क्या है ये कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। लगभग 18 साल पहले सारस वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-2003 में सारस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और दुनिया भर में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। अब फैल रहे कोरोना वायरस के लक्षण स्वाइन फ्लू जैसे हैं। इसके संक्रमण के फलस्वरूप नाक बहना, बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ होना, सिर में तेज दर्द, निमोनिया, ब्रंकाइटिस और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार हर व्यक्ति अपने हाथ साबुन पानी या अल्कोहल युक्त हैंड रब से साफ करें। खांसते या छींकते हुए अपनी नाक और मुंह को टिश्यू या मुड़ी हुई कोनी से ढकें। जिन्हें सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण हो उनके साथ करीबी संपर्क बनाने से बचें। मीट व अंडों को खाने से पहले अच्छे से पकाएं। जंगली और खेतों में रहने वाले जानवरों के साथ असुरक्षित संपर्क ना बनाएं। भीड़भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। खासतौर पर चीन से सफर कर लौटे व्यक्ति से दूर रहें। सब्जी और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं। सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस वायरस के बारे में जानकारी दी है। के बहुत सारे केसेस अपीयर हुए हैं। ये चाइना के एक प्रोविंस में आने शुरू हुए थे लेकिन अभी 30 से ज्यादा प्रोविंस में चाइना के अंदर आ गए हैं और इस दौरान बहुत सारे चीन में ट्रेवल करने वाले लोग वो दुनिया के दूसरे देशों में भी गए और दुनिया के अन्य देशों में भी कहीं कहीं इसी वायरस के केसेस अपीयर हुए हैं। मैं भारत की जनता को ये कहना चाहता हूं कि भारत ने भारत के अंदर कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस का कोई भी दुष्प्रभाव ना हो इसके लिए जितनी अधिक से अधिक सावधानियां ली जा सकती हैं उनको दुनिया में सबसे पहले लेना प्रारंभ किया। देश में NIV पुणे के बाद 4 और स्थानों पर वायरस के टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज क्रिएट कर दी गई हैं 4 लैब्स में और आने वाले कुछ ही दिनों में ये 10 स्थानों पर वायरस को टेस्ट करने की फैसिलिटीज होंगी। सभी ऐसे संबंधित शहरों में हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन के लिए अच्छे क्वालिटी के जरूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट के लिए उनको सर्वेलेंस में रखने के लिए स्पेशल बेड्स क्रिएट कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ हमने एक कंट्रोल रूम का नंबर जिसको हेल्पलाइन नंबर है उसको भी एस्टैब्लिश किया है। लैंडलाइन नंबर है ये 2397-8046। मैं हिंदी में भी बताता हूँ 2397-8046। इसकी बराबर सोशल मीडिया पे अखबार से और भी जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं उनसे लगातार प्रचार हो रहा है। इस विषय पर हमारा सभी देशवासियों से अपील है कि अगर कोई भी आपके ध्यान में है कि उसका चाइना के साथ 1 महीने के अंदर ट्रैवल की कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, कोई चाइना से आया है उसके साथ कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है और ख़ासकर आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं, सिम्टम्स यानी कि आपको कोई बुखार महसूस होता है, जुखाम महसूस होता है, गले में कोई तकलीफ़ महसूस होती है, खांसी महसूस होती है, सांस की तकलीफ़ महसूस होती है, तो आप संकोच मत करिए। आप अगर हमें हेल्पलाइन नंबर पर इन्फॉर्म करेंगे तो हम आपका टेलीफोन नंबर लेके अपने सर्वेलेंस ऑफिसर्स की मदद से आपका चेकअप इत्यादि कराने के लिए आपको सही गाइडेंस देंगे, सही स्थान पर आपको भेजने के लिए। यानी कि यू प्लीज हेल्प अस सो दैट वी कैन हेल्प यू।
हम उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सभी पालन करेंगे ताकि खुद को और बाकियों को इस वायरस से बचाया जा सके। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।